Good morning, students. Welcome to Maths Class Standard 4. Today we will continue our revision. Revision first chapter का हमारा start किया था building with bricks. Building with bricks में हमने revision start किया कि अलग-अलग price हमने find की थी कि bricks के according कि one brick की cost क्या होती है, 100 brick की cost क्या होती है. यहाँ पे एक sum मैंने पहले से लिख के रखा है. If 500 brick cost is ₹750, what is the cost of two bricks? अगर एक bricks की एक यहाँ पे क्या दिया है, overall 500 brick का cost दिया है. हमने जब ये lesson हम कर रहे थे तब उसमें क्या था कि इतनपुर एंड ब्रिकाबाद एंड न्यू ब्रिक्स ओल्ड ब्रिक्स वो सारी चीजें हमने देखी थी. यहाँ पे पहले से हमने दे दिया है कि 500 brick अगर कोई खरीदेगा purchase करेगा तो उसको उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ₹750. तो what is the cost of two bricks? यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि one brick की cost निकालो, यहाँ पे question है two bricks की cost क्या है. तो चलो start करते हैं. यहाँ पे हमें find क्या करना है, two brick की cost क्या find करनी है, two bricks की cost. तो स्टार्ट करते हैं. मेथड हर सम में सेम ही रहेगी, कोई भी सम हम करेंगे सॉल्व द प्रॉब्लम्स उसकी मेथड सेम रहेगी. यहाँ पे लिखेंगे कि 500 ब्रेक इज इक्वल टू ₹750. सो टू ब्रेक हमें क्या फाइंड करना है, टू ब्रेक कॉस्ट. टू ब्रेक कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच. ओके, जैसे हम करते हैं हर बार ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 750 मल्टीप्लाई टू एंड डिवाइड में क्या आएगा, देखो 750 मल्टीप्लाई टू क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं एंड देन जो ऊपर जो है 500 वो कहाँ जाएगा, नीचे. ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम 750 मल्टीप्लाई टू कर देते हैं. ओके, फिर हम 500 से डिवाइड करेंगे तो 750 मल्टीप्लाई टू, टू इंटू जीरो जीरो आएगा, टू फाइव का 10, 10 का जीरो नीचे जाएगा, 1 होगा ऊपर कैरी, 2 7 14 प्लस 1 तो 15. तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये क्या है, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 1500 एंड डिवाइड बाय हमें ये 500 अभी भी नीचे है तो उसे डिवाइड कर देना. अभी हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. कैसे, क्योंकि नीचे भी 20 है ऊपर भी 20 है तो हम 00 को काट देंगे तो हमारे पास फिगर छोटा हो जाएगा जिसे हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं. देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे करते इसको कट करके तो फिर 75 मल्टीप्लाई टू करके फिर से एक्स्ट्रा करना पड़ता, बट यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसलिए इसे सीधे 20 हमें बन मिल जाएंगे तो हम सीधा उसे कट करके लिख देंगे. ओके, तो यहाँ पे आएगा 500. अभी 00 को काट दिया तो बचा क्या, ऊपर 15 है एंड नीचे है 5 तो अभी 15 डिवाइड बाय 5 करना है. क्या करना है, 15 डिवाइड बाय 5 तो अभी 5 की टेबल में 15 कब आता है तो 5 बनता 5, 5 टू का 10 एंड 5 थ्री का 15 तो यहाँ पे क्या आएगा 3. तो आंसर क्या है हमारा 3, कि टू ब्रिक्स की कॉस्ट क्या है तो ₹3. क्या आंसर आएगा, ₹3. टू ब्रिक्स कॉस्ट इज टू ब्रिक्स कॉस्ट इज ₹3. कितना आएगा, ₹3. टू ब्रिक की कॉस्ट है ₹3. फॉर वन टाइम में
500 breaks. Cost is rupees 750. What is the cost of 2 breaks? Okay, यहाँ पे 1 break नहीं लिखा है. Okay, फिर हमें करना है, if 500 breaks is rupees 750, so 2 break cost is how much? फिर हमें 750 multiply 2 होगा, क्योंकि नीचे 2 है and 500 ऊपर है, तो यहाँ पे 500 divide में चला जाए. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है,
rupees. कितने की है? 4 rupees. कितने rupees की है? 4 rupees. और उसने purchase कितने की? 400. So 400 rupees equal to how much? Always cross multiplication हम करेंगे. यहाँ पे क्या आएगा? 400 multiply 4 and divide by क्या आएगा? 1. क्योंकि यहाँ पे 400 है और ये 4 है तो ये multiply होगा और ऊपर वाला जो भी figure होता है वो नीचे divide में जाता है. जैसे यहाँ पे हमने किया था कि 750 multiply 2. हमने ऐसा तो नहीं कर दिया कि 750 multiply 50 तो नहीं किया ना. तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है कि कौन सा number multiplication में जाएगा और कौन सा number divide में जाएगा. तो यहाँ पे जिस तरह से 500 नीचे गया वहाँ पे सिर्फ 1 है. ओके चलो multiply करते हैं. मैंने always आप लोगों को सिखाया है कि जहाँ पे 0 0 आता हो वहाँ पे हम easily mind calculate कर mind से calculate करके figure लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम सीधा कर देंगे 4 4 16 या 4 4 16 and then क्या करना है? ये जो 2 0 है इसे रख देने हैं तो हमारा सीधा आंसर हमें मिल जाएगा कितना? 1600. ये क्या है? रुपीस. ओके ये क्या हमने फाइंड किया कि 400 ब्रेक की कॉस्ट फाइंड की हमने, तो कितना आंसर मिला हमें? 1600 रुपीस. चलो अभी हमें यहाँ पे 2000 माइनस 1600 0 0. यहाँ पे 2 को कट करके यहाँ पे क्या आएगा? 1. क्योंकि यहाँ 6 है तो बोरो करना पड़ेगा 10. 10 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 4. 1 माइनस 1 तो 0. तो क्या आंसर आया? 400. तो यहाँ पे को फिर से रिटर्न करने पड़ेंगे. यहाँ पे कहे then how much money will be paid back? तो 400 rupees will be 400 rupees will be paid back. ओके क्वेश्चन समझे आप प्रॉपर तरीके से? यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 बार रीड करो, उसे समझने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है. यहाँ पे दो चीज हमें फाइंड करनी है, 400 ब्रिक की कॉस्ट एंड देन उसने 200 रुपीस दिए तो 200 रुपीस में से शॉपकीपर उसे कितने पैसे रिटर्न करेगा. तो हम दोनों को हमने यहाँ पे दिया तो हमें आंसर
What is the me.
ये 0 0 सारे कट गए और 400 एंड डिवाइड बाय क्या रहा
फिर ये वाला लिख लेना। Bye-bye.